तो अभी हम आ चुके हैं नाथ मंदिर, तो का देख सकते हैं आप यहाँ पर गंगा स्नान के लिए कितना भीड़ है। चलते हैं नाथ मंदिर जो है उनके मंदिर में, वहाँ पर आप लोग को दर्शन करके दिखा। देखिए हम अभी पहुँच चुके हैं आदिनाथ अखाड़ा, जो कि नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर काफ़ी सारे भक्तों का यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है, दिखा देते हैं यहाँ पर कितना सारा भीड़ है। उसके बाद हम चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर में चल के दर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यही पंचकोश मेला चल रहा है, तो काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में पीछे। तो चलते हैं अभी नाथ माता मंदिर, जो नाथ मंदिर है सॉरी नाथ मंदिर है, और नाथ मंदिर में चल करके आप लोगों को अंदर चल के हम दर्शन करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है। देखिए अभी पहुँचे हैं नाथ मंदिर के और यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं नाथ मंदिर में। देख सकते हैं जैसे कि आप, हम नाथ मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम नाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। आप लोग को भी दिखाते हैं, काफ़ी सारा अभी भीड़ है, आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे। और नाथ मंदिर में आ चुके हैं और आप लोग को नाथ अखाड़ा जो है, जिसे नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका हम आप लोग को दर्शन करा। नाथ मंदिर में आ चुके हैं, आप लोग को हम दर्शन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नाथ मंदिर में हम आए हैं, आप लोग को दर्शन कराने का कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ। और चलते हैं अभी, हालांकि मंदिर बंद है, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है, तो चलते हैं। देखिए हम आप लोग को दर्शन कराते चल रहे हैं यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हम आप लोग को दर्शन कराए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिए चलते हैं, काफ़ी सारा भीड़ है, जिसके कारण आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी सारे महिलाओं का यहाँ पर जमावड़ा जमा हुआ है। यहाँ पर भी लिट्टी गढ़ा था, मैंने भोजन की व्यवस्था हो रहा है, यहाँ जाइए, भोजन का व्यवस्था बहुत ज़रूरी है इसके लिए, आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर भी आप लोग को दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये सारे नाथ मंदिर के ही हम आप लोग को दिखा पा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी जो है नाथ मंदिर का है, आप देख पा रहे हैं जैसे कि वीडियो में। देखिए यहाँ से अभी जो है भगवान भोलेनाथ के जो है यहाँ पर स्नान कराया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, काफ़ी भीड़ है, जिसके चलते हम आप लोगों को फिर भी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए नाथ मंदिर के, और भी दिखाते हैं जो कुछ है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पर जो है वैसे देख सकते हैं मंदिर जो है यहाँ पर चुन चुन के प्रसाद खा रहे हैं, और देखिए यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ को घेर करके यहाँ पर बनाया गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है ऋषि मुनि तस्वीर भी, जो चित्र बोलते हैं यानी कि मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति को स्थापित किया गया है ऊपर, और लिखा गया क्योंकि बक्सर जो है ऋषि मुनियों की ही धरती है, तो दिखाया गया है यहाँ पर। अभी हम दिखाते हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को, हालांकि यहाँ पर मंदिर परिसर को ओपन नहीं किया गया है, आज देख सकते हैं घेर करके भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर स्थापित किया गया है, और बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी देख सकते हैं आप। चलिए हम मंदिर परिसर में ही आप लोगों को दर्शन करा दिए हैं, आप लोगों को नाथ मंदिर घुमाए हैं, देख सकते हैं आप कि काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी दिखाते हैं आप लोगों को जो शेष नाग का बना है, यहाँ मंदिर परिसर में शेष नाग का बनाया गया है प्रतिमा, उसको आप देख सकते हैं, देख लीजिए। सभी को घेर करके ब्रैकेटिंग करके रखा गया है, आप देखिए, हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी आप लोग को दिखा रहे हैं नाथ मंदिर के ही जो अंदर के तस्वीर है, वो हम आपको नंदी जी को दिखा रहे हैं। नंदी जी का जो विशाल काय यहाँ पर बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं, तो आदिनाथ श्री नंदीगण आप देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे महिलाएं इनकी पूजा भी कर रहे हैं, जो भगवान भोलेनाथ के मंदिर है उनके। आज इसी बटुकनाथ भैरव नाथ जी हैं, आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, हमेशा दरवाज़ा बंद है,
इसलिए थोड़ा दिखाने में दिक्कत होगा, लेकिन हम आप लोग को कोशिश करते हैं कि दिखाएं। आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए आदि श्री बोट जी, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे आपकी जो नाथ मंदिर है वहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ चल रहा है। हम आप लोग को एक एक करके सभी जो यहाँ प्रतिमा स्थापित है उसका दर्शन आप लोग को करा पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो है यहाँ पर बजरंग बली का जो है फोटो बना हुआ है, कहते हैं कि सूर्य भगवान को बनाए गए हैं। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ये जो देख रहे हैं ये हवन कुंड है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि ये हवन कुंड है, ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को पूरा नाथ, अभी बक्सर से बहुत सारे महिलाएं जो है जुड़ चुकी है। आज पंचकोसी यात्रा है जो कि यहाँ पर बक्सर में लिट्टी उट्टी बनाया जाता है, और अभी ये लोग हैं नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आई हैं जो कि बक्सर के ही महिलाएं हैं। यहाँ पर सिद्धनाथ जो यहाँ पर अखाड़ा है इसी में यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। बहुत सारे भीड़ है, देखिए बक्सर के लोकल में बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हम पूरा नाथ पर भी जो है नाथ मंदिर के पास काफ़ी सारे महिलाएं जो हैं यहाँ पर भी लिट्टी लगा रही है, सेक रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज पंचकोसी यात्रा का अंतिम दिन है, तो यहाँ पर भी भारी भीड़ जुटा हुआ है, और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी लिट्टी लग रहा है आज पंचकोसी यात्रा का दिन। आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पर भीड़ जमा है। नाथ मंदिर में जो दर्शन कराए हैं देख सकते हैं यहाँ किनारे पर फूलपति और जो है प्रसाद यहाँ पर वितरण हो रहा है। नाथ मंदिर का आप लोग को दर्शन करा चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह के और भी जो है वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद।